नमस्कार दोस्तों, मैं ये कहना चाहती हूँ कि कंगना कंगना नहीं, इस युग की कैकई है। आप सोचेंगे कैसे, क्योंकि भाइयों को भाइयों से लड़ाना चाहती है। आज चाइना हमारे पर वॉर करना चाहता है, सारा वॉर फिक्स हो चुका है, कभी भी कुछ भी हो सकता है। उस चक्कर में हम पूरे देश को एक हो जाना चाहिए। जैसे रामायण में एक कैकई ने भगवान राम को वनवास करा दिया था, वैसे ही एक कैकई कंगना अलग अलग पार्टियों को, मतलब जो जितनी पार्टियां उनको अलग अलग कर रही है। मुंबई में, मुंबई के बारे में, महाराष्ट्र के बारे में, उनके खिलाफ, महाराष्ट्र सरकार के खिलाफ देश की जनता को दिमाग जो है भ्रष्ट कर रही है, ब्रेन वॉश कर रही है। ये रियल में एक कैकई है। कंगना, आज मैं तुझे खिताब देती हूं, इस कलयुग की तू कैकई है। दोस्तों, कंगना मेरे दुश्मन नहीं है, लेकिन जो मेरे महाराष्ट्र के खिलाफ जो भाई भाई में लड़ाई कराएगी, देश में ही कैकई बनकर लोगों के शहरों में बम फेंकेगी, के घर घर में आग लगाएगी, दो दो पार्टियों को लड़ाएगी, और इसीलिए मैं उसके खिलाफ हूं। मैं कंगना के खिलाफ इसलिए हूं कि शादीशुदा आदमियों की जिंदगी में जाकर ये उनको, उनकी जिंदगी में जहर भरती है। हर देश के हर एक औरत ये सोचे कि आपकी शादी हो गई, आपके घर में दो बच्चे हैं, कंगना जैसी एक लड़की आपके घर में आती है, आपके पति को उठाकर लेके जाती है, शराब वराब पिलाती, ड्रग कराती है, आपके दो तीन बच्चे हैं, आप पे क्या फील होगा, ये सोचे। इसने यही बॉलीवुड में किया है, इसने यही बॉलीवुड में किया है। देश के हर एक लड़की ये सोचे अपने पे पहले लो कि अगर मैं कहीं शादीशुदा हूं, कंगना जैसी एक लड़की मेरा घर बर्बाद करेगी, इसलिए इसको बॉलीवुड में ये सबको गालियां देती है। मेरे दोस्तों, कंगना ने विक्टिम कार्ड को जो था ना वो प्ले किया है। सुशांत हमारे दोस्त, बॉलीवुड के बेटा, देश का बेटा सुशांत की मौत पर इसने अपने मीडिया और दुनिया के सामने अपना नाम रोशन किया है, और इसने पब्लिसिटी स्टंट किया है। आप समझ रहे हो, आप समझ रहे हो, आप थोड़ा समझने की कोशिश करो दोस्तों। ये अपना गेम यहां पर खेल रही है, समझ रहे हो इस दोस्तों। आज मैं एक बात ऐलान करना चाहती हूं आपके, अपनी राखी सावंत, ये पूरा जो राजनीति षड्यंत्र रणनीति कंगना जो खिचड़ी पुलाव बना रही है ना, ये चुनाव के लिए हो रहा है। लिख के रख लो राखी सावंत के वर्ड, ये चुनाव लड़ने वाली है। और मैं देश की जनता को कहना चाहती हूं कि ये भगौड़ी जहां पे भी चुनाव लड़ेगी, राखी सावंत इसके अपोजिट चुनाव लड़ेगी, चाहे राखी सावंत को हारना ही क्यों ना पड़े, लेकिन बॉलीवुड की इसकी असलियत मैं सामने लाऊंगी कि बॉलीवुड के सेलिब्रिटीज को किस, सबका घर इसने तबाह किया है, शादीशुदा लोगों का, और एक बंदा था उसकी तो जिंदगी खराब कर दी है, टाचनिया और पता नहीं क्या 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 क्या। शेखर सुमन के बेटे की जिंदगी और बहुत सारे सेलिब्रिटीज, मैं अब ये नाम नहीं, वक्त आने पर मैं सबका नाम लूंगी, आप सब लोग यूट्यूब में जाओ, सब आपको पता चलेगा इसकी सच्चाई। आप बोलते हो गहरे तो उसके पीछे, मैं उसके पीछे नहीं पड़ी हूं, वो मेरे सिटी के पीछे पड़ी है, मेरे बॉलीवुड के पीछे पड़ी है, भाइयों भाइयों को लड़ा रही है, मुंबई के पीछे पड़ी है, और देश को बर्बाद करना चाहती है। देश के अभी हालात हमारे खराब है, आर्थिक समस्या भी है, देश के साथ रहना चाहिए, उसके बदले फूट डला रही है भाइयों भाइयों में, घर घर में लड़वा रही है। कंगना, तुम्हें पिछड़े समाज के जितने भी लोग हैं, हमारे लोग, उनसे तुमको माफी मांगनी चाहिए, तुम्हें महाराष्ट्र की जनता से माफी मांगनी चाहिए, तुम्हें बॉलीवुड, पूरे बॉलीवुड से माफी मांगनी चाहिए, तुम्हें बड़े बड़े कलाकारों से माफी मांगनी चाहिए। तुम सबकी गुनहगार हो कंगना, तुमने जिन जिन को गालियां दी है, जिन जिन को पार्टियों को गलत बोला है, तुम्हें महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर से माफी मांगनी चाहिए, तुम्हें संजय राउत से माफी मांगनी चाहिए, तुम्हें महाराष्ट्र की महिलाओं से माफी मांगनी चाहिए, तुम सबके गुनहगार हो। जय हिंद, जय भारत, जय भीम, जय महाराष्ट्र।